हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ सीपीसी वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। टुडे आई विल टीच यू द कंप्लीशन ऑफ डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। For doing so, I will do my best for you. Okay, let us start the degree. तो degree को हम क्या कहते हैं? Degree को अवस्था या दशा के नाम से संबोधित किया जाता है। Degree तीन प्रकार की होती है, ठीक है? Degree किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अवस्था या दशा को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ठीक है? किसी वस्तु की अवस्था या दशा को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ डिग्री, ओके। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। डिग्री तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसे हम कहते क्या है? सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, ठीक है? ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब गुण और दोष के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की सामान्य अवस्था का बोध होता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है? इसके रूल्स है, इसका रूल है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया है उसको अगर पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए बोला जा रहा है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले है नो अदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, ठीक है? अगर कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है, अगर उसको दिया जा रहा है सेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव डिग्री तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं, चेंज करना आपको सिखाते हैं। जैसे कानपुर इज अ बिग सिटी, ठीक है? कानपुर इज अ बिग सिटी इन इंडिया, ठीक। अब इसे क्या करना है? ब्रैकेट में पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री। कानपुर इज अ बिग सिटी इन इंडिया, कानपुर भारत में बड़ा शहर है, ठीक है? अब इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले आपको नो अदर लिखना होगा। तो आइए देखते हैं नो अदर, ठीक है? लिखिए। उसके बाद क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सिटी, नो अदर सिटी, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस लिखती है। इसके बाद क्या करना है आपको? सो लगाना है। सो के बाद आपको एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है? बिग है, ठीक है? नो अदर सिटी इज सो बिग। एडजेक्टिव के बाद आपको एस लगाना होगा, एस के बाद आपको
सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कानपुर है, ओके। फिर उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें क्या है, इन इंडिया, ठीक है। ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, देख रहे हैं। नो अदर सिटी इज सो बिग, कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है एज कानपुर, जितना कि कानपुर इन इंडिया भारत में, ओके, ठीक है। आइए और देखते हैं, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ संस्कृत, ठीक। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। अब इसको भी आपको पॉजिटिव बदलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अदर, ठीक, नो अदर। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, नो अदर पोएट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है नो अदर पोएट। उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वास, नो अदर पोएट वास। अब वास के बाद आपको सो लिखना होगा, सो। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें क्या है, ग्रेट है, नो अदर पोएट वास सो ग्रेट। उसके बाद आपको क्या करना है, एस, एस के बाद आपको सब्जेक्ट लाना होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, कालिदास। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, अदर वर्ड लाना है, नो अदर पोएट वाज सो ग्रेट एज कालिदास ऑफ संस्कृत, क्या है आपका, अदर वर्ड है, ओके, ठीक है। क्या हो गया, नो अदर पोएट वाज सो ग्रेट, कोई भी कवि इतना महान नहीं था एज कालिदास, जितना कि कालिदास ऑफ संस्कृत, संस्कृत के, ओके, इज दैट क्लियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड पॉजिटिव डिग्री, ओके। लेट अस मूव सेकेंड डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी कंसल्टेड एट द बोर्ड एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई सेड, ओके। तो लेट अस मूव कंपेरेटिव डिग्री, आपका सेकेंड डिग्री क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, ओके। कंपेरेटिव डिग्री, ओके, इसे क्या कहते हैं हम, तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। तुलनात्मक अवस्था क्या होती है, यानी कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, जब गुण और दोष के आधार पर, जब गुण और दोष के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की तुलना किसी दूसरे से की जाती है, तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री का फोर्स होता है, ठीक है। जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। इसका रूल्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव, ओके। एडजेक्टिव में क्या आप जोड़ेंगे, आर या ईआर, उसके बाद देन एनी अदर प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका भी एग्जांपल, रवि इज अ टॉल बॉय ऑफ हिज फैमिली, रवि इज अ टॉल बॉय ऑफ हिज फैमिली। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। रवि इज अ टॉल बॉय ऑफ हिज फैमिली, रवि अपने परिवार का एक लंबा लड़का है, ओके। तो इसका क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रवि है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस है। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है आपका, टाल है। टाल का अगर हम टालर कहते हैं तो इसमें क्या जुड़ेगा, ईयर, रवि इज टालर। एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय है। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, ऑफिस फैमिली। रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज फैमिली। रवि अपने परिवार के अन्य लड़कों की अपेक्षा क्या है, अधिक लंबा है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा, जैसे मधु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मधु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मधु कक्षा में एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब इसको किसमें करना है, कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मधु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इस। अब देखिए एडजेक्टिव में आर या ईआर, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, जिसका नहीं होगा उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए उसके पहले रूप से पहले हम मोर जोड़ देते हैं, यानी ब्यूटीफुल से पहले हम मोर क्या किए, ऐड कर दिए, बाकी उस चीज सबको उतार लिए, क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर। मधु इज मोर ब्यूटीफुल, बाकी देन एनी अदर आपको लिखना होगा, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है, मधु इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। मधु कक्षा में अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। ठीक है, इसी तरह से और रोहन इज अ बैड बॉय, रोहन इज ए बैड बॉय, रोहन एक खराब लड़का है। अब इसका कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, रोहन इज बैड का तीनों रूप क्या होता, बैड वर्स्ट वर्स्ट, तो हमें इसमें क्या करना है, सेकेंड रूप लाना है, तो बैड का सेकेंड रूप क्या होता है, वर्स्ट। रोहन इज वर्स, ठीक क्या करना है, देन एनी अदर बॉय, हो गया क्या आपका, रोहन इज वर्स देन एनी अदर बॉय, रोहन अन्य लड़कों की अपेक्षा अधिक खराब है। ठीक है, आयो आया होगा आपको समझ में। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं थर्ड डिग्री की ओर। तीसरी डिग्री आपकी क्या है जानते हैं आप, ठीक है, ध्यान है, आप किसी संकोच, बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं, बाय फोन, बाय एसएमएस, एनीवे एज यू लाइक। ठीक है, तो थर्ड डिग्री पे हम चलते हैं, थर्ड आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आज हम आपको डिग्री सिखाएंगे, डिग्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपरलेटिव डिग्री को हम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, जब गुण और दोष के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की सर्वोत्तम अवस्था का बोध होता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के भी रूल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यानी तीसरा रूप, यानी किसी में एसटी लगेगा, किसी में एसटी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, वही हम एग्जाम्पल भी चलते हैं, विदाउट एग्जाम्पल कैन नॉट बी पॉसिबल टू सेटिस्फाई यू। ओके, तो चलते हैं हम, जैसे सी इज अ गुड गर्ल इन द क्लास। ठीक, अब इसे क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। सी इज ए गुड गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा में एक अच्छी लड़की है। अब इसे क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सी लेते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, सी इज
अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लेते हैं द, उसके बाद एडजेक्टिव यानी गुड का तीनों रूप क्या होता है गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है बेस्ट, सी इज द बेस्ट, बाकी सब हम उतार लेते हैं ज्यो का त्यों उतार लेते हैं गर्ल इन द क्लास। ओके क्या हो गया सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, बहुत अच्छा में सबसे अच्छी लड़की है। ठीक है फिर चलते हैं, ठीक है रोहन इज